الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والمعصية فإن بالمعصية أحل سخط الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا خالق کائنات رب دو جہاں کے لیے درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ سید العرب والعجم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکرم سامعین و محترم حاضرین و پردہ نشین خواتین گزشتہ ہفتوں سے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے قدردان ہیں پھر اسی سلسلے سے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور دنیا میں انسانوں سے پہلے کن کی آبادی تھی دنیا میں کون رہتے تھے اس کا سلسلہ چل رہا تھا ساتھ ہی ساتھ میں نے بات عرض کی تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا یہاں پر بات ہوئی آگے بات چلی گئی تھی اس کے آگے تذکرہ باقی تھا کہ آدم علیہ السلام جنت سے کس طرح نکالے گئے تھے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تو آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے پھر چند زمانے کے بعد آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا
तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों से फरमाया, वकुलना या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना वकुला मिन्हा रगदन हैथु शित्तुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम वकुलना या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना वकुला मिन्हा रगदन हैथु शित्तुमा, कि तुम इस जन्नत में रहो मियाँ बीवी मिलकर और जो चाहो खाओ और उस दरख्त के करीब मत जाना। उसके बाद एक ज़माना गुज़रा, शैतान उनके पास आया और आकर कहने लगा कि अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को हमेशा की ज़िंदगी देंगे अगर आप ये फल खा लेंगे, अगर आप ये फल नहीं खाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को मौत देंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि मौत क्या है, तो शैतान ने कहा कि आप मर जाएंगे, उसके बाद ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आप यहाँ नहीं रहेंगे। तो जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के फल को खा लिया और शैतान के बहकावे में आ गए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके जिस्म के कपड़े उतरा दिए और वो मादरजात अंधे हो गए, मादरजात नंगे हो गए। उसके बाद इंसानियत का तकाजा था, उन्होंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों को अपने बदन को ढांपने के लिए रख लिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने उनको ज़मीन पर उतार दिया। जब ज़मीन पर उतारा तो हवा चली, हवा चलने की वजह से वो तमाम पत्ते ज़मीन पर फैल गए और तमाम ज़मीन पर खुशबूदार दरख्त पैदा हो गए। रिवायतों में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने 200 साल तक रोया, बाज़ रिवायतों में और रिवायतें आती हैं बाज़ किताबों में, लेकिन उलमा फरमाते हैं 200 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। अपनी लग़्ज़िश के बारे में अल्लाह तबारक व ताला से मांगते रहे और कहते रहे, ए अल्लाह मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। फिर ज़माना गुज़रता गया, उनको ये बात याद आई कि जब मुझे अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा फरमाया था तो अर्श इलाही के ऊपर मैंने एक कलिमा देखा था, एक बात लिखी देखी थी, वो थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह उसके तूफ़ैल मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। तो अल्लाह तबारक व ताला जानने के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तू मोहम्मद की ज़ात को कैसा जानता है, उनके तूफ़ैल उनके सदक़े तू दुआ कर रहा है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बारे इला जब मुझे आपने पैदा फरमाया उस वक्त मैंने अर्श इलाही की तरफ नज़रों को उठाया तो वहाँ पर ये कलिमा लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने सोचा कि कोई ज़ात ऐसी है, कोई हस्ती ऐसी है जिसके ज़रिए जिसकी वजह से आपने ये चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, हाँ वो हस्ती आपकी उम्मत में आपकी औलाद में आने वाली है, वो मोहम्मद है, वो आखिरी में आने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात मैदान अराफात में हुई, एक दूसरे को नहीं पहचान रहे थे, इसलिए कि रो रो कर जिस्म का पूरा पानी और तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई थी, कमज़ोर हो गए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की और एक दूसरे को पहचाना, इसलिए उसका नाम अराफात पड़ गया, यानी पहचानने की जगह। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के निज़ाम को चलाना था
तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बदन से बच्चों को पैदा फरमाया जिनका नाम काबिल और हाबिल है। उन्हीं के पीठ से यानी काबिल की पीठ से एक बेटी पैदा हुई, हाबिल की पीठ से एक बेटी पैदा हुई। इसलिए कि इब्तदाई दौर था, उस वक्त आबादी नहीं थी, तो दस्तूर ये रखा गया कि जिसकी पीठ में जो बच्ची पैदा हुई उसके साथ नहीं बल्कि दूसरी की पीठ से जो बच्चा पैदा हुआ और उस बच्ची और इस बच्चा का निकाह कर दिया जाता। काबिल के पीठ से जो बच्ची पैदा हुई वो खूबसूरती में कम थी और हाबिल की पीठ से यानी उसके पीठ के बाद जो बच्ची पैदा हुई वो खूबसूरत थी। दस्तूर तो ये था कि काबिल और उस बच्ची का निकाह किया जाता, तो लेकिन काबिल ने यहाँ पर इनकार किया और उसने कहा कि मेरी पीठ से जो बच्ची पैदा हुई है उसी से निकाह करूँगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये कहा गया कि तुम अल्लाह के दरबार में कुर्बानी पेश करो, अगर कुर्बानी पेश करोगे जिसकी कुर्बानी हो जाएगी उसी से उसका निकाह किया जाएगा। उस ज़माने में कुर्बानी का निज़ाम इस तरह नहीं था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिसकी कुर्बानी पसंद करते पहाड़ पर वो चीज़ें रख दी जाती और वो जल जाती थी। उसके बाद हाबिल ने अपना दुम्बा एक दुम्बा लेकर गए और काबिल कुछ चीज़ें यानी उसके पास धान वगैरह उस ज़माने के एतबार से जो चीज़ें थी वो लेकर गए और उन्होंने पहाड़ पर रखा। जब पहाड़ पर रखा तो हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने उसने जो जुम्बा रखा था उसको कबूल कर लिया। उसके बाद दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। काबिल को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अल्लाह के नज़दीक मैं पसंदीदा नहीं हूँ और हाबिल पसंदीदा है, तो उसका तज़किरा अल्लाह ने फरमाया वतलु अलैहिम नबा इब्नै आदम बिलहक इत करबा कुर्बानन फतुकब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिन अल-आखर قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हाबिल और काबिल का तज़किरा फरमाया। मैं तफसील में ना जाते हुए ये बताता हूँ कि काबिल ने हाबिल से कहा तुझे मैं कत्ल कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। तो हाबिल ने कहा कि तू अगर मुझे मारेगा, मेरी तरफ दस्तराजी करेगा, तो हाथ फैलाएगा और मारने की कोशिश करेगा, तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा बल्कि मामला अल्लाह पर रहेगा। उसके बाद वो मौके की तलाश में रहा काबिल। एक मर्तबा वो जंगल में एक पत्थर पर टेक लगाए सो रहे थे, तो काबिल ने एक पत्थर उठाकर उनको मार दिया और वो कत्ल कर दिए गए। अब वो इब्तदाई दौर था और उनको मालूम नहीं था कि दफन किस तरह किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ। اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر آٹھ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کووں کو بھیجا، اس میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مارا، اس کے بعد اس کو مار کر اپنے چونچ سے زمین کو کھودنے لگا۔ तो जब ये माजरा काबिल ने देखा कि इस तरह किया जाता है, तो उसके बाद काबिल ने ज़मीन को खोदकर हाबिल को उस पर दफन किया। तो इब्तदाई दौर में जब कत्ल का सिलसिला हुआ तो काबिल ने कत्ल को आम किया। अब रहती दुनिया तक दुनिया के अंदर जितने भी कत्ल नाहक होंगे तो तमाम का गुनाह काबिल के सर पर जाएगा। फिर ज़माना गुजरता गया, इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब हुआ, तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल खाने का शौक़ हुआ।
तो आदम अलैहि सलाम ने अपने बेटों से कहा कि तुम जाओ काबतुल्लाह की तरफ। और उस ज़माने में दस्तूर था कि जो भी दुआ काबतुल्लाह में मांगी जाती अल्लाह तबारक व ताला उसको कबूल फरमा लेते थे। तो आदम अलैहि सलाम ने जब अपने बेटों को भेजा तो फरिश्ते वहीं से उनको दरमियान से वापस कर दिए। उसके बाद मलकुल मौत आए रूह कब्ज़ करने के लिए। तो मलकुल मौत जब आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम डर गई। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा डरो मत, मुझे अपने हबीब से मिलना है। अल मौत जसरुन, के मौत जो है एक हबीब को एक दोस्त को एक दोस्त से मिला देती है। उसके बाद मौत का फरिश्ता आया और आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की। उसके बाद फरिश्ते जिब्राइल मीकाईल इसराफील खुशबुओं को मिलाने लगे। उसके बाद जन्नत के बेरियों के पत्तों को लाया, उसके ज़रिए उनको गुस्ल दिया गया, जन्नत के लिबास से कफन पहनाया गया। फिर उनकी औलाद उनको उठाकर एक जगह पर लेकर गई, यानी खाने काबा में वहाँ के करीब लेकर आई। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद मकाम खैफ में उनको दफन किया गया। तो यहाँ तक आदम अलैहिस्सलाम का सिलसिला। मैंने शुरू किया था कि किस तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, किस वजह से पैदा किया, वजह क्या बनी, आखिर में इस तरह उनकी मौत आई और सिलसिला ख़त्म हो गया। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद बनी नौ आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम के औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। और अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों को लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया को भेजता रहा, इसलिए कि औलाद आदम में इब्तिदाअन भूल थी, यानी आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई थी। तो उसी भूल का सिलसिला औलाद आदम में चल रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि लोग भूल जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया का सिलसिला चलाता रहा, ताकि अल्लाह के अहकामात को बंदों की तरफ अल्लाह तबारक व ताला अंबिया के ज़रिए पहुंचाते रहे, ताकि कल क़ियामत के दिन जब इंसान कब्र में जाए और अल्लाह तबारक व ताला सवाल करे कि ऐ औलाद आदम, क्या तुम्हारे पास मेरे अहकामात नहीं आए थे, क्या मेरे तरीक़े नहीं आए थे कि किस चीज़ का मैंने हुक्म दिया था, किस चीज़ से मैंने रोका था। कल कब्र में जाकर कोई इनकार करने वाला ना आए, कोई इनकार ना करे। इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया का सिलसिला चलाया, ताकि इंसान दुनिया में रहकर उनकी बातों में यकीन करके दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगा तो यहाँ भी कामयाब होगा और आने वाली जो ज़िंदगी है वहाँ भी वो कामयाब होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया के सिलसिले को चलाया। इसलिए सबसे आखिर तब सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, आखिर में मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रही थी दुनिया तक, जब तक दुनिया कायम रहेगी आने वाले हालात को अल्लाह के नबी ने बतला दिया। कुरान और अहादीस में अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम चीज़ों को खोल कर बयान कर दिया। ऐ लोगों, इन चीज़ों पर अमल करोगे तो तुम कामयाब होगे। अगर अल्लाह के अहकामात को छोड़कर, नबी के तरीक़े को छोड़कर ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम नाकामयाब होगे, तुम नाकाम होगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में खोल कर बयान कर दिया, दुनिया के अंदर हर एक इंसान को आना है, हर एक इंसान को जाना है। दुनिया के अंदर इंसान सोचता है और ये फिक्र में रहता है कि मुझे सुकून की ज़िंदगी नसीब हो, तो उसके लिए तरीके
इख्तियार करता है, कोई दौलत कमाता है, सोचता है कि इसके ज़रिए मुझे सुकून हासिल होगा, कोई बिल्डिंगें बनाता है, कोई घर बनाता है, कोई आल औलाद के साथ खेलता है, वो समझता है कि इसके ज़रिए मुझे सुकून नसीब होगा, कोई तख्त नशीं होता है, कोई तख्तों पर हुकूमत करता है, वो सोचता है कि इसके ज़रिए मुझे क्या होगा, सुकून नसीब होगा। तमाम के ज़रिए अलग हैं, मकसद यही ही है। इंसान तरीके अलग अलग इख्तियार करता है सुकून अपनाने के लिए, लेकिन हर एक का मकसद यही होता है कि वो सोचता है कि इसके ज़रिए सुकून नसीब हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों, दुनियावी ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं, दुनियावी ज़िंदगी के अंदर उसी वक्त सुकून मिलेगा जब इंसान अल्लाह की याद में लगा रहे, अल्लाह के अहकामात पर चलता रहे, नबी के तरीक़े पर चलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह की यादों से ही, अल्लाह को याद करने से, अल्लाह के अहकामात पर चलने से, नबी के तरीक़े पर चलने से इंसान के दिल को सुकून नसीब होता है। इंसान दुनिया के अंदर आता है, वो सोचता है कि मैं दुनिया से ना जाऊँ। तरह तरह के साइंसदान आए, उन्होंने मौत पर रिसर्च की। उलमा ने फरमाया है कि 200 बातों पर उन्होंने रिसर्च की और कमा के 200 वजहों की वजह से इंसान को मौत आती है, उसमें अलग अलग वजूहात उन्होंने बयान की हैं। उनसे हट कर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब ने रिसर्च कर लिया, लेकिन हर एक ने यह फैसला मान लिया कि दुनिया के अंदर से हर एक को जानना है। उन्होंने रिसर्च करके हर चीज़ को पहचान लिया कि इस चीज़ के फायदे ये हैं, इस चीज़ के नुकसान ये हैं, लेकिन उन्होंने ये रिसर्च नहीं कर सका कि इंसान दुनिया के अंदर आता है, और उन्होंने ये दवाई नहीं बना सकी कि इंसान दुनिया के अंदर आकर उसको मौत नहीं आएगी। और साइंसदानों ने ये दावा भी नहीं किया कि हमने मौत के लिए ये दवा रिसर्च कर ली है, ये खाने की वजह से इंसान को मौत नहीं आएगी, बल्कि ये अटल फैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। वइन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़, कि हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अइनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलव कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि एक इंसान मौत से भाग कर और वो वलव कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, के सख्त घर के अंदर बंद हो जाए, चारों दीवार, चारों तरफ की दीवारें, ऊपर की दीवारें, नीचे की दीवारें लोहे की हो या पत्थरों की हो, और वो समझने लगे कि मुझे मौत नहीं आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ भी मौत आकर रहेगी। अल्लाह ने फरमाया, वलव कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम सब पहाड़ों के अंदर भी होगे, वहाँ के किलों के अंदर भी रहोगे, तो वहाँ भी मौत आकर छू लेगी, वहाँ भी मौत है। मौत से किसी को मफर नहीं है, हर एक को मौत आनी है। अनल मौतुल लदी उफर्रिकु बैनल बनाती वल अखावात, मौत कहती है कि मैं भाई और बहन के दरमियान जुदाई डालती हूँ। अना मौतुल लदी उफर्रिकु बैनल अखी वल अब, के मौत कहती है कि मैं ऐसी मौत हूँ कि बाप के दरमियान और बेटे के दरमियान, बाप के दरमियान और भाई के दरमियान मैं जुदाई डालती हूँ। अना मौतुल लदी उखर्रिबुद्दियार वल कुसूर, कि मैं ऐसी मौत हूँ कि महलों को और घरों को वीरान कर देती हूँ, मैं ऐसी मौत हूँ जो कब्रिस्तान को आबाद कर देती हूँ। मेरे भाइयों, मौत से किसी को मफर नहीं है, मौत हर एक को आनी है। दुनिया में हर इंसान कोई खुदा का मुनकिर है, कोई और चीज़ का मुनकिर है, कोई रसूल का मुनकिर है, कोई मुर्शिद है, लेकिन कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं मौत का मुनकिर हूँ। हर एक को यकीन है कि मौत आनी है, हर एक को यहाँ से जाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि हर एक को मौत का मजा
रखना है। وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ कल قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام اعمال کا بدلہ پورا پورا دیں گے کہ انسان دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزاری ہے، کیا وہ اللہ کے احکامات پر چلا، کیا نبی کے طریقے پر چلا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تبارک و تعالی پورا پورا بدلہ وہاں پر دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کل وہاں پر اللہ کے دربار میں کامیاب وہی ہوگا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ کہ وہ جہنم سے بچا کر جنت میں چل گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ اور جہنم سے نکل کر اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا، وہی کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا، کامران ہوگا، بامراد ہوگا، وہی انسان اسی کی زندگی دنیا کے اندر کامیاب رہی۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں رکھ دیا، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسان وہی دیکھے گا، وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، انسان وہاں پر جائے گا تو فرماتے ہیں وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان نے جس چیز کی کوشش ہوگی، جس چیز کی کوشش کی ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى جس کی کوشش کی ہوگی اس کو وہی نظر آئے گا، اسی کا بدلہ ملے گا۔ انسان پریشان ہو جائے گا، کہے گا مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا اللہ فرماتے ہیں انسان کہے گا مالی حاضر کتاب اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس رجسٹر کو کیا ہو گیا، انسان کہے گا اس نام اعمال کو کیا ہو گیا، مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها کہ یہ نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے، نہ بڑی چیز کو چھوڑا ہے، نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے، نہ اندھیرے میں کیے ہوئے گناہ کو چھوڑا ہے، نہ چھپ کر کیے ہوئے گناہ کو چھوڑا ہے۔ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وہ جو کچھ دنیا میں کیا ہوگا وہاں پر وہ موجود ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا اللہ تبارک و تعالی کسی پر وہاں پر ظلم نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کے اعمال کے بقدر اللہ تبارک و تعالی اس کو بدلہ دیں گے۔ ہم اپنی نیکیوں کے بدل اپنی نیکیوں کے بدلے ہم جنت نہیں جا سکیں گے، انسان اپنے نیکیوں کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی فضل فرما دے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اگر ایک انسان سوچتا ہے میں نیکیاں کرتا ہوں، میں کامیاب ہو گیا، میں جنت کا حقدار ہو گیا، جنت کی سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں آ گئی، یہ نہیں میرے بھائیو، یہ بھول ہے، یہ چوک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نیک اعمال کریں گے ہم جنت میں جائیں گے، بلکہ ہم نیک اعمال کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ چاہے گا تو ہمیں جنت نصیب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ بہت دھوپ تھی، سخت دھوپ تھی، ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھے، انہوں نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ تمام چیزیں ہیں لیکن اے اللہ میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، پاؤں میں جلن ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا فلانی جگہ پر جاؤ، وہاں ایک بندے کو دیکھو۔ انہوں نے دیکھا ایک خوبصورت بندہ ہے لیکن آنکھوں سے معذور ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کی نعمت سے محروم ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کا شکر ادا کیا، اے بار الہ تو نے میرے بدن کے اندر تمام نعمتیں رکھی ہیں، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، بولنے کی نعمت، اور سونگھنے کی نعمت، اور چلنے کی نعمت، پکڑنے کی نعمت، تمام نعمتیں دی ہیں، اے اللہ اس کو دیکھ کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی پوچھنے پر آ جائے تو چھوٹی چھوٹی
नियामत के बारे में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला कल कियामत के दिन एक इंसान जाएगा और अल्लाह तबारक व ताला सवाल करेंगे कि इंसान दुनिया की तमाम चीज़ें दी थी तो तूने क्या किया। अल्लाह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि एक शख्स सही सालिम था तो उसके बारे में कहा गया कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा तुझे क्या क्या नियमतें दी थी, तो इंसान इनकार करेगा लेकिन अल्लाह तबारक व ताला तमाम नियमतों के बारे में पूछेंगे तो जवाब देने लगेगा। फिर एक शख्स ने कहा कि अगर किसी अंधे को, किसी बहरे को, गूंगे से अल्लाह तबारक व ताला नियमतों के बारे में पूछेंगे, किस बारे में पूछेंगे, तो हजरत उमर ने फरमाया क्या क्या उसको नियमतें अल्लाह ने नहीं दी हैं, क्या वो आसानी के साथ खाता है, पेशाब पाखाना सुकून के साथ करता है, क्या ये अल्लाह की बड़ी नियमत नहीं है। कल अल्लाह के दरबार में अगर नियमतों की पूछ हो गई तो कोई बच नहीं सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर बेशुमार नियमतें दी हैं। अगर किसी इंसान की एक आँख खराब हो जाए, किसी इंसान के दिल में किसी किस्म की परेशानी आ जाए, किसी रग में इंसान की परेशानी आ जाए, इंसान परेशान हो जाता है कि अल्लाह मुझे ये क्या हो गया है। इंसान ये अल्लाह की नियमत है, अगर हम अल्लाह की नियमतों को झुटलाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला अगर पकड़ने पर आ गए तो अल्लाह तबारक व ताला किसी तरह भी पकड़ लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह की नियमतों की कदरदानी करनी है। अल्लाह तबारक व ताला बड़े कदरदान हैं। मैंने पिछले हफ्ते में तफसील के साथ, वाकयात के साथ बतलाया था कि अल्लाह तबारक व ताला किस तरह कदरदानी फरमाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह की नियमतों की हमें कदरदानी करनी है, अल्लाह के अहकामात पर चलना है, नबी के तरीके पर चलना है। अल्लाह तबारक व ताला के नबी ने फरमाया इय्याकुम वल इय्याका वल मासिया, ऐ लोगों गुनाहों से बचो, अल्लाह के नाफरमानी करने से बचो। फिर आगे फरमाया फइन्ना बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ लोगो मासियत से बचो, गुनाह से बचो, इसलिए कि फइन्ना बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, अगर कोई इंसान अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह के अहकामात को छोड़कर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हल्ला सखतुल्लाह, अल्लाह की नाराजगी उतरती है, अल्लाह का गुस्सा उतरता है। अल्लाह तबारक व ताला दुनिया पर जो अहालात लाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ लोगों जब इंसान इताअत पर करते हैं, अल्लाह के अहकामात पर चलते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला अहवाल को सही कर देते हैं। इंसान समझता है, इंसान ये फिक्र करता है कि इसी दुनिया की ज़िंदगी ज़िंदगी है, कोई आने वाली ज़िंदगी नहीं है, मौत व हयात है लेकिन जज़ा व सज़ा नहीं है, इंसान को वहाँ का इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में खोल कर बयान कर दिया है लोगो जिस तरह ये ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी आएगी लहुम मा यशाउन फीहा व लदैना मज़ीद, एक ज़िंदगी ऐसी है वहाँ अल्लाह तबारक व ताला मानने वालों को तमाम चीज़ें अता फरमाएंगे, बिन मांगे अता करेंगे, कहेंगे खाओ पियो मज़े करो, अल्लाह ने जो वादा किया था वो तमाम चीज़ें अल्लाह वहाँ पर अता फरमाएंगे। चंद लोग दुनिया के अंदर ऐसे भी होते हैं, वो समझते हैं दुनिया की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है, हमें यहाँ से जाना है, ना वहाँ सज़ा है, ना अज़ाब है, ना जन्नत है, ना जहन्नम है, उसका इनकार कर बैठे हैं। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान में खुले तौर पर, अहादीस में अल्लाह के नबी ने वाज़े अल्फाज में बतला दिया जिस तरह ये ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी आने वाली है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, जब वो ज़िंदगी शुरू होगी मौत आ जाएगी, तमाम ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे, इज़राइल अल्लाह के पास आएंगे और कहेंगे ऐ बारे इला दुनिया की तमाम मखलूक ख़त्म हो गई है, दुनिया ख़त्म हो गई है, हिसाब व किताब हो गया है, अब कोई बाकी नहीं रहा है, उनको मालूम है कि अब कौन बाकी है। इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे ऐ अल्लाह, अल्लाह पूछेंगे अब कौन बाकी रह गया, इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे ऐ अल्लाह अभी फरिश्ते बाकी हैं जो अर्श को उठाए हुए हैं, जिब्राइल मीकाइल इसराइल बाकी हैं, ये तब तमाम लोग बाकी हैं, बाकी दुनिया से सब ख़त्म हो गए,
हिसाब का मरहला हो गया, अब क्या किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला इसराइल को हुक्म देंगे, जिब्राइल मीकाइल को भी मौत हो जाए, वो भी मर जाएंगे। उसके बाद फिर अल्लाह से पूछेंगे इसराइल, ऐ बारे इला, अब दुनिया से वो भी ख़त्म हो गए, अब जो बाकी रहने वाली चीज़ हैं वो आपको अर्श के उठाने वाले फरिश्ते और इसराफील हैं। अल्लाह तबारक व तआला अर्श से कहेंगे, अर्श वाले फरिश्ते से कहेंगे कि इसराफील के सूर को ले लो। उसके बाद इसराफील की भी मौत हो जाएगी, फिर अर्श को उठाने वाले जो फरिश्ते हैं उनकी भी मौत हो जाएगी, आखिर में जान निकालने वाले फरिश्ते इसराइल की भी मौत हो जाएगी, वहाँ पर मौत की भी मौत हो जाएगी। उसके बाद कभी मौत नहीं आएगी। जो इंसान दुनिया में नेकी कर कर गया होगा, हमेशा हमेशा के लिए खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा की जन्नत में रहेगा। और जो इंसान गुनाह कर कर गया, अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी करके गया, वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दनका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि हशरतनी आमा वक़द कुंतु बसीरा क़ाल कज़ालिका अतत्का आयातुना फनसीताहा वकज़ालिकल यौम तुंसा। पारा नंबर 16 में अल्लाह ने तज़किरे के साथ फरमाया कि दुनिया के अंदर एक इंसान है, वो आमाल करता है, अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर चलता है, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आलीशान ज़िंदगी देंगे। लेकिन जो रूगर्दानी करता है, अल्लाह के अहकामात को नहीं समझता, समझ कर भी कान में जू नहीं रेंगती, इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सहाबा सहाबा अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठते, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्माउ व अतीउ, मेरी बात को सुनो और सुनकर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी सहाबा से फरमाते, जब सुनते हो उस पर अमल करने की कोशिश करो तब मेरे हाथ में बैत लो। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हम अल्लाह के नबी की बातों को सुनते और उस पर 100% अमल करते, अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत लेते। मेरे भाइयों, सिर्फ किस्से और कहानी की बात नहीं है, कुरान की ज़ुबानी है, अहादीस की ज़ुबानी है। कुरान की बात 100% सच्ची है, अहादीस की बात 100% सच्ची है। वमन असदक मिनल्लाह हदीसा वमन को मिनल्लाह कीला, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया अल्लाह की एक एक बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की एक एक बात सच्ची है। मेरे भाइयों, हर एक को इस दुनिया से जाना है, हर एक को इस दुनिया को छोड़ना है। अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह की बात सच्ची है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अहकाम पर उतरना है, अल्लाह के अहकाम को हम जितना भी सुनते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। अमल असल चीज़ है, ईमान मजबूत होने के लिए, ईमान पर जमने के लिए हमें आमाल को करना है। अगर हम आमाल को छोड़ देंगे तो हम यहाँ भी बर्बाद रहे, आने वाली ज़िंदगी जो है मेरे भाइयों उसमें भी हम बर्बाद होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के अहकाम पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इंसान दुनिया में आकर धोखे में रह जाता है, वो सोचता है कि दुनिया की चीज़ें सब चीज़ें, हमने दीन के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, इसलिए हमें इसकी हकीकत मालूम नहीं होती कि ईमान क्या है। आमाल पर जमने का और आमाल पर जम कर खड़े होने का, अल्लाह के अहकाम को लागू करने का, अल्लाह के अहकाम को अल्लाह के अहकाम को दुनिया में निफाज करने का, इफ़ताल हक और इफ़ताल बातिल करने का मज़ा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा सूरे बुरूज अस्हाबुल उखदूद के तस्किरे में फरमाता है, वस्समाई दातिल बुरूज वल्यौमिल मौऊद वशाहिदी व मशहूद قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود। इसमें अल्लाह तबारक व ताला एक खुले अल्फाज में, वाज़े अल्फाज में एक वाक़े की तरफ इशारा फरमाता है। इसमें اصحاب اخدود का वाक़िया है, बहुत तफसील वाक़िया है, इसमें रिवायतें भी अलग अलग हैं, उसमें तफसील में ना जाते हुए उसमें एक लड़के का तस्किरा इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता अगर तफसील से हुआ तो बताऊंगा। उसमें से एक बच्चे का नाम अब्दुल्ला मुअम्मर था। उस ज़माने के बादशाह ने एक जादूगर, एक साहिर को रखा था, वो जादू का काम करता, कहानत करता। जब वो बूढ़ा होने लगा तो बादशाह से उसने कहा कि एक बच्चे को मुझे दो ताकि उसको जादू सिखाऊं। उसके बाद वो बच्चा और उस जादूगर के दरमियान एक राहिब पढ़ता था।
वो बच्चा उस जादूगर के पास जाता, दरमियान में राहिब यानी ईसा अलैहि सलाम को मानने वाली कौम, उस ज़माने की सच, उस ज़माने का जो सच्चा मज़हब था उस पर कायम वो राहिब थे। तो ये बच्चा जाते जाते उस राहिब के पास दीनी इल्म यानी उस ज़माने में जो हक मज़हब था उसको वो हासिल करता। उसके बाद उस काहिन के पास जाता जादू सीखने के लिए, और जब वाप ताखिर होती तो वो राहिब उसको मारता, वो काहिन उसको मारता। फिर जब घर वापस आता और वहाँ ताखिर होती तो बाप मारता कि ताखिर से क्यों आया। तो राहिब ने कहा, जब बाप पूछे तो कह देना कि मैं घर से देर करके ही निकला था, और जब वापसी में जब घर से निकला था अगर काहिन पूछे लेट क्यों आया कह देना कि घर से लेट निकला था, और जब घर जाए वालिद पूछे तो कह देना कि वहाँ से उस्ताद ने ही लेट भेजा। उस दरमियान वो ईसाई मज़हब को मालूम किया, हक क्या है बातिल क्या है। एक मर्तबा ये हुआ कि रास्ते में एक ख़तरनाक जानवर आ गया। उसके बाद बच्चे के दिमाग में ये बात आई, आज आज़माते हैं कि कौन सा मज़हब सही है, कौन सा मज़हब सच्चा है। उसके बाद वो एक पत्थर लेकर अल्लाह से कहता है, अल्लाह अगर ये मज़हब सच्चा हो तो ये जानदार मर जाए, और ये ख़तरनाक जानवर मर जाए, लोग इस यहाँ से पार हो जाए। उसके बाद एक कंकरी लेकर अल्लाह का नाम लेकर मारता है तो वो जानवर मर जाता है और लोग उस रास्ते को पार कर लेते हैं, और वो समझ लेता है कि राहिब का मज़हब सच्चा है, ईसाई का मज़हब सच्चा है। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला उसके हाथ में बहुत सारे, मैं मुख्तसर अंदाज में बहुत सारी जगह छोड़ छोड़ कर कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला उसके हाथ में बहुत सारी, अल्लाह तबारक व ताला चीज़ें दे देती हैं कि अगर कोई अंधा आए हाथ फेरता है दुआ करता है तो अच्छा हो जाता है। तो बादशाह का एक वज़ीर था, वो भी आँखों से माजूर था, तो उसको पता चली बात कि फलाना बंदा है वो ये काम करता है। तो उस बच्चे के पास गया तो बच्चे से कहा कि इस तरह मैं बीमार हूँ तू दुआ कर। तो उसने कहा कि मेरे हाथ में अच्छा करना बुरा करना नहीं है बल्कि अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह का नाम लेकर मैं हाथ फेरता हूँ, वो अच्छा हो गया। फिर बादशाह के दरबार में गया, बादशाह ने पूछा मामला क्या है, तो बादशाह से कहा कि फलाना बंदा फलाने गाँव में है। उसके बाद उस राहिब को भी बुलाया गया, उस बच्चे को भी बुलाया गया। बादशाह ने कहा कि अपना मज़हब छोड़ दो और मुझे मानने लगो, तो उस ईसाई ने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया कि बादशाह ने आरी से उसके सर को दो पीस कर दिया और उसको मार दिया। उसके बाद बच्चे की बारी आई तो बच्चे के बारे में बादशाह ने कहा इसको पहाड़ी पर लेकर जाओ और वहाँ से ढकेल देना। उसके बाद उसने अल्लाह से दुआ की, पहाड़ हलने लगा और जितने भी लोग उसको मारने के लिए आए थे सब गिरकर मर गए। फिर वो नौजवान बच्चा बादशाह के पास आया, बादशाह ने कहा क्या माजरा है, उसने कहा कि अल्लाह से दुआ की तुम्हारे सब लोग मर गए। उसके बाद बादशाह ने फिर दरबारियों से कहा कि एक संदूक में बंद करके इसको दरिया के किनारे लेकर जाओ, अगर ये इस मज़हब से फिर जाता है इसको छोड़ देना, अगर ना फिरे तो दरिए में डाल देना। जब वहाँ भी गया तो वहाँ दुआ करने लगा, वो लोग डूबकर मर गए, ये सही सलामत आ गया। उसके बाद उस बंदे ने कहा कि एक ही इलाज है, एक ही तरीका है मुझे मारने का, तमाम लोगों को जमा करो, बिस्मिल्लाहि व रब्बिल गुलाम बोलकर मेरे तीर से मुझे मारो, इंशाल्लाह मैं मर जाऊँगा। तमाम लोग जमा हो गए, तमाम लोग जब जमा हो गए उसी के तीर से बिस्मिल्लाहि व रब्बिल गुलाम बोलकर यानी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और इस बंदे यानी इस आदमी के रब के नाम से मारता हूँ, तो उसके कनपट्टी पर जाकर वो तीर लगा और वहाँ से खून बहने लगा, उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। जितने लोग वहाँ पर थे सब ने ईमान ला लिया। तो बादशाह कहने लगा कि असल यही डर था मुझे कि लोग ईमान पर ना आ जाए, असल वजह जो थी वो वजह यही थी कि इसकी वजह से लोग ईमान पर ना आ जाए, अल्लाह को मानने वाले ना हो जाए, इसी वजह से इसको मारा गया। लेकिन माजरा अलग है, तमाम लोगों ने अल्लाह पर ईमान ला लिया। तो मेरे भाइयों, इस वाक़े से हमें ये पता चलता है कि हम ईमान पर आमाल पर जमे रहेंगे, इंसान के ऊपर हालात आते रहते हैं, इंसान आमाल पर चलेगा, अल्लाह के अहकाम पर चलेगा, तरह तरह के रोड़े अगते हैं, तरह तरह की चीज़ें इंसान के रास्ते में हाइल होते हैं,
इंसान परेशानियों पर परेशानियां मोल लेता है, लेकिन जो इंसान अल्लाह के अहकामात पर ज़िंदगी गुजारता है और नबी के तरीक़े को अपना कर ज़िंदगी गुजारता है, मेरे भाइयों, उन तकलीफ़ों में भी उसको खुशी महसूस होती है। हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो शेखुल मशाइख हैं, एक मर्तबा उनको बीमारी लाहिक हुई, अकेले में एक कमरे में थे तो हंसने लगे, अचानक हंसने लगे। चंद दिन के बाद जब इफाका हुआ, लोगों ने मालूम किया, हज़रत क्या माजरा हुआ था कि आप अकेले कमरे में हंस रहे थे? उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने बीमारी दी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उस बीमारी की वजह से मैं ये नहीं हंस रहा, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत की वजह से कि अल्लाह तबारक व ताला की उस बीमारी में भी मुझे इबादत करने में मज़ा आता है, इसलिए हंसता हूँ। बीमारी भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक नियमत है। अहवाल का आना, लोगों के ऊपर तकलीफ़ों का आना, ये भी अल्लाह की तरफ से मेरे भाइयों एक आजमाइश है। उस आजमाइश में अगर इंसान अल्लाह की मोहब्बत दिल में होगी, हंसी खुशी उसको बर्दाश्त करेगा, ना कि तरह तरह के अल्लाह पर इल्ज़ामात लगाएगा। लोग कहने लगते हैं कि इंसान नेक था, एक इंसान अल्लाह की इबादत करता था, 5 टाइम नमाज पढ़ता था, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बीमारी दे दी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई बुजुर्ग नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई वली नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी तमाम अंबिया के सरदार हैं, तमाम इमामों के इमाम हैं मेरे नबी। अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह के नबी को मेरे भाइयों ताइफ की गलियों में पत्थर खिलाए। अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे थे, वो झड़ियाँ डाली गई। अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई वली, अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई अल्लाह का मुकर्रब और चहिता बंदा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने आजमाया। जो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है, अल्लाह उसी को आजमाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हालात से घबराना नहीं है, बल्कि हालात से टक्कर लेना है, हालात को सहना है और अल्लाह के दीन पर जमे रहना है, इसी में कामयाबी है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला अपने अहकामात पर चलने की अल्लाह तबारक व ताला तौफीक दे, नबी के तरीक़े पर चलने की तौफीक दे, अल्लाह तबारक व ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रत सुन्नत